गाइज मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी के एक शानदार पॉलिटेक्निक कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया उत्तर प्रदेश के बारे में आज की इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिटेनिक देवरिया का एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है कॉलेज की रैंकिंग क्या है टॉप ट्वेंटी का कॉलेज है टॉप थर्टी का कॉलेज है कट ऑफ कितना रहता है यानी कितने नंबर पर इस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रहती है इस कॉलेज की प्लेसमेंट वगैरह कैसा है इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या है फीस स्ट्रक्चर के साथ साथ स्कॉलरशिप इस कॉलेज में कितनी आती है तो इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हॉनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया का इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझ में आ जाएगा कि आप सभी अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया में एडमिशन ले चुके हैं या एडमिशन लेने वाले हैं तो कैसा रहने वाला है आपका यह कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया देखिए अगर आप एक बेस्ट कॉलेज का सिलेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए तीन से चार चीज़ों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है वो कौन कौन सी चीजें हैं पहला तो कॉलेज का लोकेशन कैसा है दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज है या नहीं है फैसिलिटीज कैसी प्रोवाइड करती है साथ साथ फैकल्टीज़ कैसी हैं वहाँ की प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रहती है तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है तो क्या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया इन सब बातों को रिलेट कर पाएगा एडजस्ट कर पाता है या नहीं तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में देखेंगे और आज की इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से आप सभी को सजेशन भी दूंगा कि आप सभी को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं या आप सेलेक्ट कर चुके हैं तो आपके लिए कैसा रहने वाला है तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं साथ ही साथ आप सभी को दो चीज़ें बताना जरूरी समझूंगा अगर आप सभी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा अगर और भी ज़्यादा डाउट है आप सभी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक लिंक गिवन है आप डायरेक्ट जाके वहाँ पर फॉलो करके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मुझसे जो भी होगा आप सभी से आप सभी का हेल्प करने की कोशिश करूँगा और भी ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज के रिव्यूज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले का दे दिया हूँ लिंक वहाँ से जा के आप गवर्नमेंट कॉलेज के जो भी हैं रिव्यूज़ देख सकते हैं साथ ही साथ अगर स्पेशली इस वीडियो को गर्ल्स देख रही हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में बताऊँगा पचास के अमाउंट के बारे में यानी पूरा डिप्लोमा आप सभी का फ्री में हो जाता है और अपने पैसे को घर भी ले जा सकते हैं आप सभी तो उसके बारे में भी इस वीडियो के दौरान डिस्कस करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया की कुछ हाईलाइट्स को देखते हैं देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया 1983 का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है यानी उन्नीस में यह कॉलेज ओपन हुआ है तो काफ़ी पुराना कॉलेज रहने वाला है तो इसके लिए बेस्ट कॉलेज रहने वाला है दूसरी बात यहाँ पर एक डिग्री और चार कोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा इंस्टीट्यूट टाइप एफिलिएशन जो है वो बी टी से है जिसे हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश कहते हैं साथ ही साथ अप्रूवल सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट का ए से होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से होता है स्टूडेंट का काउंट बहुत ज़्यादा है सात के अप्रॉक्स है और फैकल्टीज़ इस बार बहुत ज़्यादा नए नए आए हैं तो आप सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि आप सभी बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज से पढ़ने वाले हैं क्योंकि नए फैकल्टीज़ का जो चयन हुआ है बहुत एलिजिबल फैकल्टीज हैं मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज में जो फैकल्टीज़ हैं वो आई आई है एन आई टी एन है ठीक है तो आप सबके लिए बहुत बड़ी बात है और साथ ही साथ कैंपस का साइज जो है वो थोड़ा सा संतुष्टजनक नहीं है पंद्रह एकड़ का है तो एवरेज कैंपस है अगर कम से कम पच्चीस होता तो बहुत बेस्ट रहता बट कोई बात नहीं पंद्रह एकड़ का ही कैंपस आप सभी के लिए पर्याप्त रहने वाला है अब हम फैसिलिटीज़ को अगर देखें तो लाइब्रेरी की सुविधा हर एक कॉलेज में मिल जाती है जो कि सिर्फ नाम मात्र की होती है जितने भी हमने कॉलेज के रिव्यूज़ करे हैं सब में आप सभी को बता दिया हूं कि लाइब्रेरी की सुविधा आप सभी को नहीं मिलेगी जितनी फैसिलिटीज़ बताई जाती हैं उतना नहीं होता है स्पोर्ट्स आप सभी को मिल जाता है वही वॉलीबॉल वही रेसिंग हो जाती है आपकी क्रिकेट वगैरह जो कि नवंबर दिसंबर महीने में आपको साल भर में एक बार देखने को मिल जाती है इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा तो नहीं है बट एवरेज है तो अच्छी बात है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे ही होते हैं कैफेटेरिया की सुविधा नहीं होती है लेबोरेटरीज की सुविधा यहाँ पर मिल जाती है ठीक है जो भी आपकी डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से आपको लैब मिल जाती है जिम की सुविधा बच्चों के लिए बताया जा रहा है कि प्रोवाइड किया जाता है अगर प्रोवाइड किया जाता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि जिम की सुविधा हमें मिलती है या नहीं बॉयज़ हॉस्टल आप सभी को दो मिल जाएंगे यहाँ पर और लगभग साठ साठ बच्चों के रहने का यहाँ पर सुविधा है और गर्ल्स हॉस्टल भी आप सभी को एक मिल जाएगा जो कि बच्चों के लिए ठीक ठाक मिल जाता है रहने का स्थान अगर हम हॉस्टल की बात कर लें तो हॉस्टल में आप सभी को सिर्फ तेईस सौ रुपये साल भर का पेमेंट करना पड़ता है डीडी के माध्यम से आप तेईस सौ रुपए का पेमेंट कर देंगे देन आप सभी को एक साल के लिए हॉस्टल एलाट कर दिया जाता है महीने का पच्चीस से तीन हज़ार डाइट का खर्चा आता है जो कि हर मंथ आपको पेमेंट करना होगा छुट्टियों के टाइम में नहीं करना होता है तो समझ सकते हैं कि हॉस्टल काफ़ी अच्छा रहता है आप सभी के लिए मात्र तेईस में बट पढ़ने का माहौल थोड़ा सा गड़बड़ रहता है हॉस्टल का इसके में भी एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे कि हॉस्टल में क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसको भी आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे ऑडिटोरियम होता है क्योंकि वहीं पर आपका प्लेसमेंट वगैरह होना है एलुमिनियम एसोसिएशन अब होने लगा है बहुत सारे कॉलेजों में ठीक है तो यहाँ पर भी हो जाता होगा ठीक है इसके बारे में आप जरूर पता करिए बट इसका पढ़ाई से आपका ज़्यादा कुछ ताल्लुक नहीं है तो ऐसा ही रहने दीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब मूव करते हैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जिसकी मैं बात कर रहा था सेमेस्टर एग्जाम आपका यही कंडक्ट कराते हैं बी टी यू वाले ठीक है अगर हम इंस्टीट्यूट का कोड देखें तो चौवालीस है अगर आप सभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया के स्टूडेंट हैं तो आप कोड को जरूर याद कर लीजिएगा मैं बार बार सार वीडियो में बताता हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया इंस्टीट्यूट का नाम है आप सभी वेबसाइट देख सकते हैं ईमेल आईडी इनकी देख सकते हैं और मोबाइल नंबर और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर ये आपके प्रिंसिपल का होता है अगर एड्रेस देखें तो पोस्ट जी स्टेट और चौ चौरी गोरखपुर रोड देवरिया ये आपका है ठीक है एड्रेस जो कि आप अपने जो भी कॉलेज में एडमिशन हुआ है उससे आप ज़रूर मैच करा लीजिएगा इंस्टीट्यूट टाइप यानी गवर्नमेंट कॉलेज है इतना आप तो जान ही रहे हैं अगर हम यहाँ पर सीट देख लें और ब्रांचेस देख लें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग की पचहत्तर सीट है आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप की पचहत्तर सीट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आई है इंडस्ट्रियल कंट्रोल की पचहत्तर सीट है बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल कंट्रोल तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है ठीक है जैसा इलेक्ट्रिकल है वैसे आई है थोड़ा एक दो सब्जेक्ट का अंतर रहता है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आई आईसी भी ले सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है और बाकी जितने भी ब्रांचेज़ हैं उनकी लेटरल एंट्री है और लेटरल एंट्री की सात सीटें होंगी या तो पंद्रह सीटें होती हैं ठीक है थीके? वो लास्ट टाइम पर डिसाइड कर लिया जाता है अगर हम फीस स्ट्रक्चर को देखें तो ग्यारह फर्स्ट ईयर की फ़ीस है और यही तीनों साल फ़ीस रहती है अब फीस को हम देख लिए हैं तो इसके साथ साथ ही देख सकते हैं अदर ब्रांचेज़ की फीस ग्यारह हज़ार ही है उसमें चेंजेस नहीं है अब फीस के साथ साथ दो चीज़ें देखना जरूरी है कि स्कॉलरशिप कितनी आती है और नेशनल स्कॉलरशिप जो मैं बता रहा था स्पेशली गर्ल्स के लिए वो क्या है ठीक है पहले स्कॉलरशिप में नेशनल स्कॉलरशिप को डिस्कस करता हूँ नेशनल स्कॉलरशिप ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है इसमें पचास हज़ार का अमाउंट गर्ल्स को प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ठीक है इसमें एक बार फॉर्म फिल करना होता है और तीनों बार स्कॉलरशिप आप सभी को प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट इसकी शर्त यही रहती है कि आप सभी को सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही फॉर्म फिल करना होता है सेकेंड ईयर में आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते तो आप फर्स्ट ईयर में फॉर्म फिल कर देंगे तो आप सभी को पचास हज़ार का अमाउंट मिल जाता है और बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता इसलिए मैं बार बार इस बात को डिस्कस कर रहा हूँ ठीक है अगर कोई डाउट है इन सब चीज़ों से रिलेटेड तो जरूर कॉमेंट करिए इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है फॉलो करके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मोबाइल नंबर नहीं दे पा रहा हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा मैसेजेस कॉल आने लगते हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता रिसीव कर पाना फिलहाल अगर यूपी स्कॉलरशिप की बात करें तो अगर आपने हॉस्टल ले रखा है तो लगभग पंद्रह हज़ार का अमाउंट आप सभी को देखने को मिलेगा अगर आप डे स्कॉलर हैं यानी रूम लेकर रहते हैं या पास के हैं आप तो लगभग आप सभी को बारह हज़ार की स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगी तो आप सभी देख सकते हैं कि आप सभी का जीरो रुपये लग रहा है यहाँ पर पूरे पॉलिटेक्निक के दौरान ठीक है आप हॉस्टल अब में रहते हैं तो आपका हॉस्टल का पैसा भी वापस आ जाता है मतलब सिर्फ खाने खाने का पैसा लग रहा है आप सभी का मतलब जहां पर पर रहकर खाएंगे घर पर रह के खाओ या पॉलिटेक्निक करके खाओ ठीक है तो बात बात है ठीक है तो आप सभी समझ सकते हैं कि पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज से करना कितना बेस्ट हम प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें इस कॉलेज का तो लगभग फिफ्टी परसेंट प्लस बच्चों का यहाँ पर प्लेसमेंट हो जाता है तो फिफ्टी परसेंट प्लेसमेंट हो जाता है तो समझ लीजिए कि अच्छा खासा प्लेसमेंट हो रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहाँ पर ट्वेंटी फाइव परसेंट या ट्वेंटी परसेंट या दस परसेंट भी प्लेसमेंट नहीं हो पाते हैं तो ये कंडीशन हैं बट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया का काफ़ी अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं और जो जिम के बारे में बात कर रहा था वीडियो के दौरान तो जिम की सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है अभी मैंने जानकारी इकट्ठा करी देन आपको बता रहा हूँ फिलहाल मूव करता हूँ आपको लेकर चलता हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया के रैंकिंग के बारे में कि कॉलेज की, की रैंकिंग क्या है टॉप ट्वेंटी का कॉलेज है या नहीं तो लगभग टॉप फिफ्टीन का कॉलेज रहने वाला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया और कट ऑफ भी काफ़ी अच्छी खासी जाती है अगर मैं सिविल की बात कर लूँ तो लगभग बारह हज़ार का कट ऑफ गया है एक राउंड में तो अगर आपका एक सौ अस्सी प्लस स्कोर है तो आराम से इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और एक सौ अस्सी पर एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाता है क्योंकि आप सेकेंड और थर्ड राउंड में जाऊँगे जाएंगे तो कट ऑफ थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है अगर इलेक्ट्रिकल आई सी की बात करें तो काफ़ी लो है पच्चीस हज़ार के है तो लगभग अगर एक सौ चालीस के आसपास का स्कोर बात कर लें तो आराम से इस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है बाकी लेटरल एंट्री का भी कट ऑफ आप सभी के सामने है और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कट ऑफ अच्छा खासा गया है बावन हज़ार के आसपास है तो बावन हज़ार पर आप समझ सकते हैं कि लगभग अगर आपका स्कोर वन हंड्रेड प्लस है तो आराम से इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच भी मिल जाती है और गर्ल्स के लिए और एस सी के लिए तो और ज़्यादा छूट है तो ये जनरल के लिए है मतलब सबसे हाई कट ऑफ है तो बी वाले भी इससे लो ही रहेंगे तो समझ सकते हैं आप सभी का बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की लिटर एंट्री की भी कट ऑफ दी गई है इलेक्ट्रिकल की भी लेटर एंट्री की कट ऑफ दी गई है सिविल की भी लेटर एंट्री की कट ऑफ दी गई है तो ओवरऑल कॉलेज अच्छा है अगर आप यहाँ पर एडमिशन कराते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई दिक्कत वाली बात है क्योंकि हमने जितने भी कॉलेजेस देखे हैं उनमें भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वैरिया ठीक ठाक है, है पढ़ाई भी नॉर्मल हो जाती है जिस तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाती है तो अगर आपका एडमिशन हो गया है तो बेस्ट ऑफ लक अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं तो बिल्कुल ले लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिलहाल जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद में हमारी तरह आने चाहते हैं जरूर आइए मुरादाबाद में आपका स्वागत है मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए Goodbye Tata. Love you all.